ग्वालियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक अमरीश शर्मा एवं भिंड जिला प्रशासन उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्रवाई कर रहा है। उनका मकान पूरी तरह से वैध है। लहार में जिस कोठी को सरकारी जमीन पर बना बताकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि उनके मकान की 3 रजिस्ट्रियां हैं जो उन्होंने समय समय पर अलग अलग लोगों से अपने भाइयों के नाम करवाई हैं। अब भिंड जिला प्रशासन पूर्व में भेजी गई विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर रहा है। वह जबरन उनके मकान को शासकीय भूमि पर निर्मित होने का झूठा आरोप लगा रहा है, जबकि उनके पास पूर्व में भेजी गई प्रशासन की टीम का वह लिखित पत्र है जिसमें उनकी बिल्डिंग को वैध बताया गया है। गोविंद सिंह रविवार को शाम कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार, सुरेश राजे साहब सिंह गुर्जर एवं पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के साथ पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लहार के वर्तमान विधायक अमरीश शर्मा और भिंड कलेक्टर के इशारे पर उनकी कोठी पर यह सीमाकन्न के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि शनिवार को करीब 5 सैकड़ा पुलिसकर्मी जबरन उनके घर में घुस गए, तोड़फोड़ की, वहां मौजूद लोगों से अभद्र व्यवहार किया, जबकि उन्हें घर में घुसने से पहले वारंट के साथ आना चाहिए था। डॉ गोविंद सिंह का यह भी आरोप है कि अमरीश शर्मा का मकान खुद शासकीय जमीन पर बना हुआ है, उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई न कर उनकी राजनीतिक हत्या करने पर आमादा है। गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे घर के तोड़ फोड़ करने में, अब इससे ज़्यादा क्या है, वो वायरल हो चुका है। केवल राजनीतिक दुर्भावना से हमारे मकान तोड़ा जा रहा है जो हमारे छोटे भाइयों के नाम है, और उसमें हमारे पास नगर पाल विधिवत रजिस्ट्रियाँ हैं, 33 फुट में बना हुआ है, 43 फुट में उसकी मंजूरी है, 3 रजिस्ट्रियाँ हमारे पास हैं, इसके बावजूद भी सास की बताकर तोड़ा जा रहा है। जबकि टीम जो बाहर से भेजी गई थी उसने जांच की, सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसको जो उसने रिपोर्ट दी उसको फाड़ के फेंक दी कि नहीं, ये दिखाइए कि गोविंद सिंह का मकान कहाँ है, नक्शा गलत है। उन्हें पूरी रिपोर्ट लिखी है, वो हमने वायरल की निकल, उसकी फोटोकॉपी हमें प्राप्त हो गई थी, उसमें साफ लिखा है 2 RI 2 पटवारियों के दस्तखत भी है सर, सिग्नेचर की है, सास के कर्मचारी हैं, विद्वान थे, मशीन चलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको भेजा गया था जिले से, और उसके बाद भी रिपोर्ट को तोड़ फोड़ करके दूसरी रिपोर्ट बनवा लिया, बनवाई जा रही है। रात में अपने जाके पूरा मकान के नोटिस नाम निशान लगा दिए गए 12-15 लोगों के। अभी मामला हमारा था, हमें जो भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों के मकान पर नक्शा लाल निशान लगाए उनको रात में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको द्वारा एक एक आदमी को अपने घर बुलाया जा रहा है। कौन है इसके पीछे आपकी इस पूरी सीमांकन? पूरी तरह से स्थानीय विधायक अमरीश शर्मा, वो सब जो अपने एक तरह का राजनीतिक रूप से समाप्त करने की साजिश है। क्या अमरीश शर्मा ने तमाम सारे अवैध कब्जे किए, कि उनके कब्जों पर उनकी जो गवर्नमेंट ने गलत किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इस पर अमरीश शर्मा जो कब्जे किए हैं, उनकी दुकानें हैं, अब ये तो आप कलेक्टर से पूछिए, उसका उसके लिए शिकायत की, उसका भी जांच दल का बताया था, गठित कर दिया, आज तक क्या हुआ, वहाँ क्यों नहीं हो रही, जबकि उसका 80% मैं दावा करता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा अगर उनकी सरकार, उनके पिताजी के नाम का जो मंगना है पीछे सर, सास की रास्ता और नाले पे